नमस्कार साथियों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे समसामयिक घटना चक्र वार्षिकांक 2019 को। तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे वैज्ञानिक परिदृश्य में। वैज्ञानिक परिदृश्य में हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियां, ठीक है। अब इसमें बात करने वाले हैं हम लोग अद्यतन पर्यावरण विज्ञान के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा 24 अक्टूबर 2019 को श्रीलंका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के सदस्य देशों ने सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा को अपनाया है। इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य वैश्विक नाइट्रोजनी चुनौती से निपटने के लिए प्रस्तावित रोड मैप का समर्थन करना है। इस घोषणा के तहत वर्ष 2030 तक नाइट्रोजन कचरे को आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। कोलंबो घोषणा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल की संयुक्त गतिविधि अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन प्रबंधन प्रणाली के तकनीक समर्थन के साथ विकसित किया गया है। यह वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा भी समर्थित है। कोलंबो घोषणा के भाग के रूप में जीवन के लिए नाइट्रोजन नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया है। बात करते हैं अगली खबर के बारे में। 2019 में ओजोन छिद्र का क्षेत्रफल न्यूनतम नासा के अनुसार 21 अक्टूबर 2019 को जारी नासा के एक वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में ओजोन छिद्र वर्ष 2082 के बाद सबसे छोटा देखा गया है। सितंबर एवं अक्टूबर 2019 में अंटार्कटिका के ऊपर ऊपरी वायुमंडल में असामान्य मौसमी परिस्थितियों में ओजोन रिक्तिकरण को प्रभावशाली रूप से सीमित कर दिया है। सामान्यतः सितंबर व अक्टूबर महीने में ओजोन छिद्र का क्षेत्रफल 8 मिलियन वर्ग मील तक देखा जाता है, लेकिन इस वर्ष 8 सितंबर को ओजोन छिद्र का अधिकतम क्षेत्रफल 6.3 मिलियन वर्ग मील रिकॉर्ड किया गया और सितंबर के अंत व अक्टूबर के प्रारंभ में ओजोन छिद्र का क्षेत्रफल 3.9 मिलियन वर्ग मील से भी कम पाया गया, जो अब तक का ओजोन छिद्र का सबसे कम क्षेत्रफल है। पिछले 40 वर्षों में यह तीसरा अवसर है जब मौसमी परिस्थितियों ने ओजोन रिक्तिकरण की प्रक्रिया को सीमित किया है। इससे पूर्व सितंबर 1988 में, उसके बाद 2002 में अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में ऐसी ही मौसमी परिस्थितियों की वजह से ओजोन छिद्र सामान्य से छोटा पाया गया। बात करते हैं मोजेक मिशन के बारे में। 20 सितंबर 2019 को जर्मनी का अनुसंधान जलपोत पोलर स्टर्च आर्कटिक जलवायु के अध्ययन हेतु टॉम्सो नॉर्वे से रवाना हुआ। यह पोत आर्कटिक महासागर में समुद्री बर्फ के बहाव के साथ सहारे धीरे धीरे गति कर अनुसंधान संचालित करेगा। इस अभियान को मोजेक द मल्टी डिसिप्लिनरी ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी फॉर ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट नाम दिया गया। 19 देशों के कुल 600 अनुसंधानकर्ताओं ने इस अभियान में भाग ले रहे हैं। यह अभियान जर्मनी स्थित अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट हेल्महोल्ट्ज सेंटर फॉर पोलर एंड मरीन रिसर्च के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है। आर्कटिक जलवायु प्रणाली के अन्वेषण हेतु मध्य आर्कटिक महासागर में संचालित होने वाला यह पहला एक वर्षीय अभियान है। अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक विज्ञान समिति के तत्वाधान में विश्व के अग्रणी ध्रुवीय अनुसंधान संस्थानों की एक अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम ने इस परियोजना को डिजाइन किया है। यह मिशन आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन तथा समुद्री बर्फ में कमी के क्षेत्रीय एवं वैश्विक प्रभावों को समझने में मदद करेगा। अगली खबर है समुद्री ऊर्जा की। एक नवीकरणीय ऊर्जा बाईस अगस्त 2019 को केंद्रीय विद्युत और
नवीन और नवकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह ने समुद्री ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा घोषित करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सभी हितधारकों को यह स्पष्ट किया है कि समुद्री ऊर्जा के विभिन्न रूपों ज्वारीय तरंग समुद्री उष्मीय ऊर्जा रूपांतरण इत्यादि के प्रयोग द्वारा उत्पादित ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा माना जाएगा। इस प्रकार की ऊर्जा गैर सौर नवीकरणीय खरीद बाध्यताओं की कसौटी पर खरा उतरने के योग्य होगी। यह एक ऐसा निर्णय है जिसमें भारत में समुद्री ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% भाग समुद्र से आच्छादित है। इनमें तरंग ज्वार समुद्री धारा उष्मीय प्रवणता के रूप में विशाल मात्रा में ऊर्जा समाहित है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की कुल क्षमता लगभग 12,450 मेगावाट आकी गई है तथा इस ऊर्जा के संभाव्य स्थान के रूप में खंभात एवं कच्छ क्षेत्र की पहचान की गई। भारत में तरंग ऊर्जा की कुल क्षमता देश के तटीय क्षेत्र में लगभग 40,000 मेगावाट अनुमानित है। आगे बात करते हैं स्टेट ऑफ टाइगर्स एंड इंडिया 2018। 29 जुलाई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय बाघ आकलन के 4वें संस्करण के परिणाम जारी किए हैं। इन परिणामों को स्टेट्स ऑफ टाइगर्स इन इंडिया 2018 नामक रिपोर्ट में संकलित कर प्रस्तुत किया गया है। अखिल भारतीय बाघ आकलन के 4वें चरण के दौरान आंकड़ों को एकत्रित डिजिटल रूप में एंड्रॉयड आधारित एप्लीकेशन एम स्टाइप्स याद रखना मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन इकोलॉजिकल स्टेटस के प्रयोग द्वारा किया गया है। तो इस एप्लीकेशन को याद रखना एम स्टाइप्स, ठीक है। नवीनतम बाघ गणना के परिणाम दर्शाते हैं कि वर्ष 2018 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 1967 तक पहुंच गई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 से 2016 के मध्य बाघों की संख्या में 33% वृद्धि दर्ज की गई है। बाघ गणना के दो क्रमागत चरणों के मध्य दर्ज अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है। भारत में सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है 526, इसीलिए तो मध्य प्रदेश को बाघ टाइगर स्टेट बोला जाता है। तो याद रखना मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442 है। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 173 दर्ज की गई है। बक्सा डंपा पलामू बाघ अभ्यारण्यों में बाघ की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। याद रखना बक्सा डंपा और एवं पलामू। अब बात करते हैं सागर मैत्री मिशन 2, ठीक है। 18 जुलाई 2019 को DRDO की प्रयोगशाला NPOL नेवल फिजिकल ओशियनोग्राफिक लेबोरेटरी का एक समुद्री विज्ञान अनुसंधान पोर्ट INS सागर धोनी अपने 2 महीने के लंबे वैज्ञानिक अभियान पर कोचीन से रवाना हुआ है। इस वैज्ञानिक अभियान को समुद्री और संबंधित अंतर विषय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान पहल का नाम दिया गया। मिशन की परिकल्पना DRDO ने की थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंद महासागरीय तटीय देशों के बीच समुद्री अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई नीतिगत घोषणा सागर के विस्तृत उद्देश्य के अनुरूप है। भारतीय नौसेना NPOL द्वारा संचालित यह मिशन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाएगा, इसी कारण इस मिशन को सागर मैत्री नाम दिया गया। सागर मैत्री मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में महासागरीय अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्रों में 8 हिंद महासागरीय तटीय देशों के साथ दीर्घावधि सहयोग स्थापित करना शामिल है। सागर मैत्री मिशन 2 के तहत INS सागर धोनी पोत ने थाईलैंड मलेशिया सिंगापुर इंडोनेशिया की यात्रा की है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व अप्रैल 2019 में यह पोत सागर मैत्री मिशन फर्स्ट के तहत यांगून म्यांमार की यात्रा पर गया था, ठीक। अब बात करते हैं जयपुर विश्व धरोहर स्थल घोषित हो गया है। आपको पता होगा
यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 43वें वार्षिक सत्र का आयोजन 30 जून से 10 जुलाई 2019 के मध्य अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया गया। इस वार्षिक सत्र के दौरान विश्व धरोहर समिति द्वारा विश्व भर में कुल 29 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इनमें 29 स्थलों में से 24 सांस्कृतिक स्थल हैं, 4 प्राकृतिक स्थल हैं और 1 मिश्रित स्थल है। इन सभी स्थलों को शामिल किए जाने के बाद विश्व के 167 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 1121 हो गई है। विश्व धरोहर समिति के 43वें सत्र के दौरान 16 जुलाई 2019 को भारत के उत्तर पश्चिमी राजस्थान में स्थित जयपुर शहर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 38वां स्थल है। जयपुर को सांस्कृतिक स्थल के रूप में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत के 38 स्थलों में से 30 को सांस्कृतिक श्रेणी, 7 को प्राकृतिक श्रेणी और 1 स्थल को मिश्रित श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ। जयपुर को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित करने हेतु भारत के नामांकन का समर्थन करने वाले देश इस प्रकार हैं: ब्राजील, बहरीन, क्यूबा, इंडोनेशिया, अजरबैजान, कुवैत, किर्गिस्तान, जिम्बाब्वे, चीन, ग्वाटेमाला, युगांडा, ट्यूनिशिया, बुर्किना फासो, बोस्निया हर्जेगोविना, अंगोला, सेंट किट्स एवं नेविस। ठीक, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे भी विचार विमर्श के बाद जयपुर को धरोहर सूची में शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर सहमत हुए थे। उल्लेखनीय है कि जयपुर के किलेबंद शहर की स्थापना 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। जयपुर से पूर्व वर्ष 2013 में राजस्थान के 16 पहाड़ी किलों चित्तौड़ किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, जैसलमेर किला, अजमेर किला और गगनरोन किला, वर्ष 2017 में जंतर मंतर जयपुर तथा वर्ष 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। विश्व धरोहर समिति के 42वें सत्र के दौरान जून 2018 में मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको शैलियों के भवनों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं अगली खबर है, कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। 1 अप्रैल 2019 को चेन्नई स्थित भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री कार्यालय भारत सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य की कंधमाल हल्दी को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। कंधमाल हल्दी मूल रूप से उड़ीसा के कंधमाल जिले के भीतरी इलाके में रहने वाले आदिवासी किसानों द्वारा उगाई जाती है। इस हल्दी का वनस्पतिक नाम है करक्यूमा लोंगा एल। ठीक है, याद रखना। कंधमाल हल्दी को भौगोलिक संकेतक उसके विभिन्न औषधीय गुणों के कारण प्रदान किया गया है। इस हल्दी का रंग सुनहरा पीला होता है और इसमें हल्दी के अन्य किस्मों की अपेक्षा ओलियो रेसिन व वाष्पशील तेल की मात्रा अधिक होती है तथा यह उच्च सुगंध वाली होती है। हाल ही में एरोड हल्दी को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। एरोड हल्दी मुख्यतः तमिलनाडु के एरोड, कोयम्बटूर, तिरुपुर जिले में उगाई जाती है। बात करते हैं हम लोग विश्व की विशालतम मधुमक्खी। हाल ही में उत्तरी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलियाई जीव विज्ञानिकों के एक दल ने विश्व की विशालतम मधुमक्खी को पुनः खोजने में सफलता प्राप्त की है। विज्ञानिकों द्वारा इस प्रकार की एक जीवित मादा मधुमक्खी को इंडोनेशिया के सुदूरवर्ती उत्तरी मोलुक्का क्षेत्र से खोजा गया है। उल्लेखनीय है कि इस मधुमक्खी को पिछले लगभग 38 वर्षों से नहीं देखा गया था। इसके विलुप्त होने की आशंका व्यक्त की गई थी। इस मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है मेगा चिली फिलुटो। हालांकि इस मधुमक्खी को वालेस जायंट बी और फ्लाइंग बुलडॉग आदि लोकप्रिय नामों से भी जाना जाता है। ब्रिटिश अनुसंधानकर्ता एवं प्रकृतिवादी अल्फ्रेड रसेल वालेस ने इंडोनेशिया के उष्णकटिबंधीय वाकन द्वीप में 1858 ईस्वी में इस मधुमक्खी की खोज की थी। IUCN की रेड लिस्ट में इसे संवेदनशील की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग प्रधानमंत्री जी वन योजना। 28 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रधानमंत्री जी वन
जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना को मंजूरी प्रदान की है, प्रधानमंत्री जी वन योजना को। ठीक, इसके अंतर्गत ऐसे एकीकृत बायो एथेनॉल परियोजना हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान है, जिसमें लेग्नो सेल्यूलोजिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीड स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। जी वन योजना हेतु वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान कुल 1969.50 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल क्षेत्र को प्रोत्साहन करने एवं इस विकासोन्मुख क्षेत्र को समर्थन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री जी वन योजना को लागू करने का अधिकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली एक तकनीकी इकाई सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी को सौंपा गया है। बात करते हैं हम लोग, भारत का सुंदर वन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित हुआ है। 30 जनवरी 2019 को भारत ने सुंदरवन आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में निर्दिष्ट किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल होने वाला भारत का 27वां स्थल है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन आर्द्रभूमि 4,23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। यह स्थल विश्व का सबसे बड़ी मैंगो वन सुंदरवन के अंतर्गत स्थित है। सुंदरवन भारत एवं बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। बांग्लादेश के खुलना में स्थित सुंदरवन आरक्षित वन को वर्ष 1992 में ही रामसर सूची में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों को की सूची को रामसर सूची भी कहा जाता है। आर्द्रभूमियों पर अभी समय रामसर अभी समय के नाम से भी जाना जाता है। इस समय अभी समय का नामकरण ईरान के शहर रामसर के नाम पर किया गया, जहां वर्ष 1971 में यह अभी समय हस्ताक्षरित हुआ था। रामसर अभी समय वर्ष 1975 में प्रभावी हुआ। अब बात कर लेते हैं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019। 12 फरवरी 2018 को 15वीं भारत वन रिपोर्ट 2017 जारी की गई। भारत वन रिपोर्ट वन स्थिति रिपोर्ट 2015 से फरवरी 2016 के उपग्रह आंकड़ों पर आधारित है। ISFR 2017 के अनुसार देश में कुल वनावरण 70.83 मिलियन हेक्टर है। कुल वनावरण क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.54% है। ISFR 2017 के अनुसार देश में कुल वृक्षारोपण 93,815 वर्ग किलोमीटर में। ISFR 2017 के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षारोपण 8,02,088 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.40% है। ISFR 2017 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण 4,921 वर्ग किलोमीटर है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15%। ISFR 2017 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र 16,582 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 6.8% है। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 14,679 वर्ग किलोमीटर है, भौगोलिक क्षेत्र का 6.09%। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षारोपण 7,442 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले तीन जिले क्रमशः सोनभद्र, खेरी, मिर्जापुर हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो क्रमशः सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत है। ISFR 2017 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य मध्य प्रदेश और ISFR 2017 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला संघीय क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, याद रखना। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे रक्षा विज्ञान के बारे में। ठीक है, रक्षा विज्ञान के बारे में याद रखना, ये सभी लेक्चर आप लोगों को जो समसमाय की घटना चक्र से संबंधित हैं वो एक ही जगह मिल जाएंगे, वो है समसमाय की घटना चक्र 2019 के नाम से। प्ले लिस्ट में सूची बनी हुई है, उसी में पड़े हुए हैं। ठीक है,